आरजे केतुल के साथ आप सुन रहे हैं माया नगरी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो TAR सिटी पर। आज की कहानी लगभग 10 साल पहले घटी सर्दी की एक रात के घटना पर आधारित है। ये कहानी है इन चार लड़कियों की, जिनका नाम है मोना, अंजना, स्नेहा और प्रीति। ये चारों काफ़ी अच्छी दोस्त थी। ये चारों की 10 दिन से एग्ज़ाम्स चल रही थी और आज इन सब की आखिरी एग्ज़ाम थी। ये चारों फ्रेंड्स लगातार प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, वाइवा, प्रेजेंटेशंस और एग्ज़ाम्स की वजह से तंग आ चुकी थी। इसलिए एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही इन सब ने कहीं बाहर घूमने जाने का सोचा, और कॉलेज में 2 हफ्ते की छुट्टियां भी थी तो इनके पास काफ़ी समय था कोई अच्छी सी जगह चुन के अच्छी सी ट्रिप प्लान करने का। 2 दिन हो चुके थे पर अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर ट्रिप के लिए जाए कहाँ। अंजना अपने घर पे बैठ के सोच रही थी कि कहाँ जाए, तभी अचानक उसे अपने स्कूल का एक किस्सा याद आया। जब वो स्कूल में थी तब उसकी एक दोस्त ने उसे बताया था कि जयपुर के एक होटल में एक ऐसा रूम है जिसकी खिड़कियाँ 6 बजे के बाद खुलना सख्त मना है। उस कमरे की खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाए। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नज़ारा एक कब्रिस्तान का था। अंजना भूत प्रेत आत्माओं पर ज़रा भी भरोसा नहीं करती थी। उसको भूतों की कहानियाँ या फिर आत्माओं की कहानियाँ सारी मजाक लगती। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्या होता है वहाँ 6 बजे के बाद कि उस गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़कियाँ खोलना मना है। अब उसने मन बना लिया कि ट्रिप के लिए जयपुर ही जाना है और उसी गेस्ट हाउस के उसी रूम पर रहना है। उसने अपने फ्रेंड से ये ट्रिप के बारे में बात की और सबको मना लिया। अंजना ने घर पर उसकी मम्मी को भी बताया कि वो ट्रिप के लिए जयपुर जाने वाली है और कौन सी होटल में रुकने वाली है। अंजना ने गलती से उसकी मम्मी के सामने कब्रिस्तान का भी जिक्र कर दिया। अंजना भले ही भूत प्रेत में भरोसा नहीं करती थी पर उसकी मम्मी का इन सब पर पूरा भरोसा था। अंजना की मम्मी ने उसे सख्त मना कर दिया उस गेस्ट हाउस में रुकने से, पर अंजना का बचपन से ही बड़ा ज़िद्दी स्वभाव रहा है। उसने कैसे भी करके अपने मम्मी को मना लिया। उसने अपनी मम्मी को कब्रिस्तान के बारे में भले ही बताया हो पर उस रूम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं। अंजना को पता था कि मोना को भूत प्रेत से बहुत डर लगता है और अगर रूम के बारे में बता दिया होता तो मोना उस गेस्ट हाउस पर रुकने से बिल्कुल मना कर देती। दूसरे दिन चारों दोस्त निकल पड़े अपनी ट्रिप के लिए। उस होटल पर पहुंचने के बाद अंजना ने उसी रूम की मांग की। रूम खाली था तो उन सबको वो रूम मिल गया। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए थे और तो और उस गेस्ट हाउस का एक नियम था कि जो भी कस्टमर उस रूम पे रहे उसको एक चेतावनी देना। मैनेजर ने अंजना को चेतावनी दी कि कोई भी हालत में उस रूम की खिड़की 6 बजे के बाद ना खोले और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल ना बनाए। जब मैनेजर ने अंजना को ये चेतावनी दी तब उसके तीनों फ्रेंड्स रूम पर पहुंच चुकी थी। मैनेजर ने कहा था कि याद से वो अपने दोस्तों को इस बारे में बता दे, पर अंजना ने अपनी किसी भी दोस्त को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उस दिन वो चारों जयपुर की काफ़ी जगहों पर घूमी और रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास वो अपने रूम पर पहुंचे। काफ़ी थकान की वजह से सारी फ्रेंड्स 11 बजे तक सो गई, लेकिन सोने से पहले अंजना ने खिड़की खोल दी। आधी रात तकरीबन 2 बजे मोना पानी पीने के लिए खड़ी हुई। किचन में वो जब पानी पीने गई तब उसे अचानक एक अजीब और डरावनी आवाज आई, मानो कि उसे कोई बुला रहा हो। डर के मारे वो तुरंत अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसने अंजना को, कि जो उसके बगल में ही सोई हुई थी,
उसको जगाया और उसे कहा कि उसने कोई डरावनी आवाज सुनाई दी। अंजना को पहले से मालूम था कि मोना को भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। उसने मोना को यह कहकर सुला दिया कि शायद वो उसका भ्रम होगा। मोना को भी ऐसा लगने लगा कि शायद ये उसका भ्रम ही था और वो सो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर सारे फ्रेंड्स फ्रेश हो गए और सब काफ़ी एक्साइटेड थे अपने ट्रिप के दूसरे दिन को लेकर। फ्रेश होने के बाद बिना समय गवाए सारे फ्रेंड्स निकल गए घूमने। शाम के तकरीबन 6 बजे थे। पूरे दिन सफ़र की वजह से प्रीति को बुखार सा चढ़ गया था, इसलिए सबने सोचा कि आज जल्दी घर पहुंच जाते हैं और 7 बजे तक सब घर पहुंच गए। इतनी जल्दी घर पहुंच जाने के कारण उन सबके पास काफ़ी समय बातें करने के लिए था। अपने सफ़र की थकान को दूर करने के लिए मोना नहाने चली गई। नहाकर जब वो बाहर निकली तब अपने बाल सुखाने वास्ते उसने खिड़की खोली और खिड़की खोलते के साथ ही सामने का दृश्य उनकी आंखों के सामने था। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैनेजर ने अंजना को चेतावनी दी थी कि 6 बजे के बाद खिड़की ना खोले और किसी भी हालत में खुले बालों के साथ उस खिड़की के सामने खड़े ना हो, लेकिन ये बात अंजना ने किसी को नहीं बताई थी। मोना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि खिड़की के ठीक सामने एक कब्रिस्तान है। जितनी दूर मोना की नज़र गई उसको बस कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। जिंदगी के बाद की इस सच्चाई को देखकर मोना बहुत डर गई थी। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। मोना अपनी फ्रेंड्स के पास गई और सबको मनाने लगी कि मैनेजर से बात करे और रूम बदलवा देते हैं, क्योंकि खिड़की के सामने एक कब्रिस्तान है जिसका एक एक दृश्य शायद रात भर मोना को सोने ना दे। मोना की तीनों दोस्तों ने उसको समझाया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे सिर्फ कब्रिस्तान ही तो है। बहुत समझाने के बाद मोना मान गई और आज की रात उसी रूम में बिताने का फैसला किया। पर इन सब के बीच अंजना ने अभी तक ये बात सबसे छुपा के रखी थी जो मैनेजर ने उसे कही थी। 11 बजे के आसपास वो चारों सो गई, पर सोने से पहले अंजना ने कल के तरह आज भी खिड़की खोल दी। 17 दिसंबर 2009 की रात तकरीबन 2 बजे अंजना की नींद को उसी की रूम से आ रही एक अजीब सी आवाज़ ने तोड़ दिया। उसने उठकर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंजना को अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, पर वो जो देख रही थी वो कोई सपना नहीं पर हकीकत था। उसने जब मोना की ओर देखा तब वो खुले बालों के साथ जोर जोर से अपना सर हिला रही थी और कुछ बोले जा रही थी जो अंजना को जरा भी समझ नहीं आ रहा था। मोना की आंखें इतनी लाल हो गई थी कि अंजना हिम्मत नहीं छुटा पा रही थी मोना के सामने देखने के लिए। उसने कैसे भी करके हिम्मत छुटाई और मोना को रोकने की कोशिश की, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी क्योंकि वो अदृश्य शक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। अंजना ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में प्रीति, स्नेहा, उस लॉज के आसपास वाले लोग और मैनेजर सब आ गए। सबने बहुत मुश्किल से मोना को लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। इस हालत में भी मोना के शरीर के अंदर न जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी जो उस पूरे पलंग को हिलने पर मजबूर कर रही थी। इस हालत में मोना कोई अलग ही भाषा में कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। कुछ समय बाद मोना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर थोड़ी देर बाद फिर से वही अलग भाषा में कुछ ना कुछ बोलना शुरू। मोना की सारी दोस्त काफ़ी साहसी थी। वो सब सारी रात भर
मोना के बगल में ही बैठे रहे। दूसरे दिन सुबह तक मोना की हालत काफी सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। बस उसके शरीर में अजीब सी थकान थी। मोना के साथ उस रात जो भी कुछ हुआ, आपको शायद मोना के डर के वजह से पैदा हुई मानसिक परिस्थिति लगे, पर अचानक से मोना के अंदर आई वो अपार शक्ति, जिसको काबू में करने के लिए 6-7 लोगों की मदद लेनी पड़ी, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। इस हादसे के बाद वो रूम सदा सदा के लिए बंद कर दिया गया। मैं हूं आरजे केतुल और ये थी हमारे हॉरर सीरीज माया नगरी की पहली कहानी।